नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे गांव में लोन को लेकर। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब उसके विकास को लेकर बात होने लगी है। इसी कड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग में केंद्र सरकार देश की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी। पंचायतों का मास्टर प्लान बन जाने से गांव में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताओं और रोजगार के अवसरों और पंचायतों के संसाधनों को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। बीजेपी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सोचते हैं दूरगामी सोचते हैं। गांव के बसावट की मैपिंग करके ड्रोन सर्वेक्षण कराएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियों को गिनाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा विकास की लाइफलाइन है। उन्होंने राज्य सरकारों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी आग्रह किया है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ एक महिला, एक युवा और बुजुर्ग को जरूर शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा कि जिलों में लोकपाल की तैनाती सुनिश्चित करने और राज्यों की सरकारों को इस ओर जो है ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। वन नेशन वन रजिस्ट्री के अवधारणा जमीन पर उतर रही है। जमीन का भी हर आधार नंबर करने जा रहा है। यह बैंक रजिस्ट्री कार्यालय न्यायालय से जुड़ा होगा ताकि जमीन संबंधी विवादों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली एवं जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है। विजन 2047 के साथ है, हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। साल 2030 तक यह लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि पंचायतों के विकास के लिए दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने गांव के विकास को लेकर बोलते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए गांव के रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचा निर्माण के बारे में बताया। साथ ही साथ जब उनसे जदयू के विशेष राज्य के दर्जे की मांग से जुड़े सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर राज्यों के विकास के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा विकास के कार्यों को उन्होंने गिनाया और साथ साथ उन्होंने जो विशेष राज्य का दर्जे की जो मांग थी उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया। इस तरह से अगर हम देख लें बिहार में, अगर हम जमीन सर्वे के कार्यों को देखें तो बिहार सरकार खुद जो है अपने राज्य सरकार के खर्चे पे जमीन सर्वे का काम कर रही है। साथ ही साथ वन नेशन वन रजिस्ट्री की जो बात कही जा रही है इसको लेकर भी बिहार सरकार सतत प्रयासरत है। ऐसे में केंद्र सरकार का भी सहयोग अब मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में कहा गया है कि गांव के विकास को लेकर जो है, अगर साफ तौर पर अगर हम पूरे अगर हम बयान को देखें केंद्रीय मंत्री का, इसमें यही है कि अगर पंचायतों का अगर हम विकास करते हैं तो देश का विकास होगा। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये मामला उठाया जो कि 2047 तक पूरा करने की बात कही गई है। ऐसे में अब यह तय है कि गाँव के विकास को लेकर कई अलग अलग योजनाएं आनी है जिससे कि गांव का सुदृढ़ीकरण किया जा सके, गांव का विकास किया जा सके, गांव में रोजगार सृजन किया जा सके और गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक बार फिर से सुदृढ़ किया जा सके। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।